आदरणीय सभापति जी, इस कोरोना काल में 80 करोड़ से भी अधिक देशवासियों को इतने लंबे कालखंड के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था, उनका घर का चूल्हा कभी न जले ऐसी स्थिति पैदा न हो, ये काम भारत ने करके दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। इसी कोरोना काल में जबकि अनेक कठिनाइयां थी, बंधन थे, उसके बावजूद भी प्रगति में रुकावटों की बार बार ऑब्स्टेकल के बीच भी लाखों परिवारों को, गरीबों को पक्का घर देने के अपने वादे की दिशा में हम लगातार चलते रहे और आज गरीब का भी घर खर्चा लाखों में होता है, जितने करोड़ों परिवारों को एक घर मिला है ना, हर गरीब परिवार आज लखपति कहा जा सकता है। आदरणीय सभापति जी, इसी कोरोना काल में 5 करोड़ ग्रामीण परिवार नल से जल पहुंचाने का काम कर करके एक नया रिकॉर्ड प्रस्थापित किया। इसी कोरोना काल में जब पहला लॉकडाउन आया तब भी बहुत समझदारी के साथ कईयों से चर्चा करने के बाद, थोड़ा साहस की भी जरूरत थी कि गांव में किसानों को लॉकडाउन से मुक्त रखा जाए। निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण था, लेकिन किया और उसका परिणाम यह आया कि हमारे किसानों ने कोरोना के इस कालखंड में भी बंपर पैदावार की और एमएसपी ने भी रिकॉर्ड खरीदी करके नए विक्रम प्रस्थापित किए। इसी कोरोना काल में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए कई प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए, क्योंकि हम जानते हैं कैसे संकट के काल में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो रोजगार के अवसरों को सुनिश्चित करता है, और इसलिए हमने उस पर भी बल दिया ताकि रोजगार भी मिलता रहे और सारे प्रोजेक्ट्स हम पूरे भी कर पाए। कठिनाइयां थी लेकिन उसको कर पाए। इसी कोरोना काल में चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, हर कालखंड में विस्तार से इसका विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया गया और उसको हमने चलाया है। इसी कोरोना कालखंड में हमारे देश के युवाओं ने खेल जगत के हर क्षेत्र में हिंदुस्तान का तिरंगा, हमारा परचम फहराने में बहुत बड़ा काम किया, देश को गौरव दिया। आज पूरा देश हमारे युवाओं ने खेल जगत में जिस प्रकार से प्रदर्शन किया है और कोरोना के इन सारे बंधनों के बीच उन्होंने अपनी तपस्या को कम नहीं होने दिया, अपनी साधना को कम होने नहीं दिया और देश को गौरव बढ़ाया है। आदरणीय सभापति जी, इसी कोरोना काल में आज जब हमारा देश का युवा स्टार्टअप यानी भारत का युवा एक पहचान बन गई है, सिनोनिमस हो गया है, आज हमारे देश के युवा स्टार्टअप के कारण स्टार्टअप की दुनिया में टॉप 3 में हिंदुस्तान को जगह दिला पाई है। आदरणीय सभापति जी, इसी कोरोना काल में चाहे COP26 का मामला हो, चाहे G20 समूह का क्षेत्र हो, या चाहे समाज जीवन के अंदर अनेक अनेक विषयों में काम करना हो, चाहे दुनिया के 150 देशों को दवाई पहुंचाने की बात हो, भारत ने एक लीडरशिप रोल लिया है। आज भारत की इस लीडरशिप की दुनिया में चर्चा है, उसकी स्वीकृति। आदरणीय सभापति जी,
जब संकट का काल होता है, चुनौतियां अपार होती हो, विश्व की हर शक्ति अपने ही बचाव में लगी होती है, कोई किसी की मदद नहीं कर पाता है, ऐसे कालखंड में उस संकटों से बाहर निकालना, आज मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता के उन शब्द हम सबके लिए प्रेरणा दे सकते हैं। अटल जी ने लिखा था, अटल जी ने लिखा था, व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती, किंतु चीर कर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा, किंतु चीर कर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा, शत शत आघातों को सहकर, शत शत आघातों को सहकर, जीवित हिंदुस्तान हमारा, जीवित हिंदुस्तान, जग के मस्तर पर रोली सा, जग के मस्तर पर रोली सा, शोभित हिंदुस्तान हमारा, शोभित हिंदुस्तान। अटल जी के शब्द आज के इस कालखंड में भारत की किस सामर्थ्य का परिचय कराते हैं।